राजधानी रांची के एक निजी बैंक्वेट हॉल के सभागार में झारखंड पार्टी का 2 दिवसीय महाधिवेशन शुरू हुआ। इस महाधिवेशन में काफी लंबे समय अंतराल के बाद पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री एनोस एक्का पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और केंद्रीय अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों एवं प्रदेश स्तरीय पार्टी से जुड़े गणमान्य लोगों को सम्मानित कर किया गया। इस महाधिवेशन में कई कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। इस महाधिवेशन में कांग्रेस और बीजेपी जैसे बड़े पार्टियों में रह चुके चायबासा के पूर्व सांसद चित्रसेन सिंकू सहित अन्य जगह के पार्टी से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता झारखंड पार्टी को ज्वाइन किया, जिन्हें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित भी किया गया। ज्ञात हो कि इस 2 दिवसीय महाधिवेशन में राज्य के हर जिले के 51 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। महाधिवेशन में झारखंड की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी, साथ ही राज्य के ज्वलंत मुद्दे जैसे CNT SPT में संशोधन, कोयलकारों परियोजना, स्थानीय नीति के विरोध में किस प्रकार से रणनीति तय हो, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। लंबे समय अंतराल के बाद पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत किए केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड पार्टी प्रदेश में थर्ड फ्रंट के रूप में उभर कर आ रही है। विगत दिनों हमारी पार्टी किसी कारण से थोड़ी सी निचले पायदान पर आ गई, पर अब यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर आएगी। हमारी अनुपस्थिति में हमारे प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी इस प्रकार से इस पार्टी को सींचने का काम किया है, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और फिर से एक बार इस पार्टी को सींचने का हम सब मिलकर काम करेंगे। कार्यकर्ताओं के रूप में 2 पूर्व सांसद झापा में शामिल हो रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, आज झारखंड पार्टी का लोग विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं सर, और झारखंड पार्टी किसने होता है थर्ड फ्रंट के रूप में उभर के आ रही है, और झारखंड पार्टी के बगैर किसी का कोई चलती नहीं चलेगा। इधर देख, और झारखंड पार्टी को हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाना। और आज बहुत दिन से हम लोग यहाँ पर, मेरा बंदीगिरी में रहने के कारण से पकड़ा दीजिए किसी को, जो झारखंड पार्टी में थोड़ा सुस्त था, लेकिन आप झारखंड पार्टी राष्ट्रीय पार्टी से भी ऊपर रहेगा। और सिर्फ ये चमत्कार देखिएगा आज से कि जितने लोग आज हैं कांग्रेस BJP सभी लोग झारखंड पार्टी पर ही शामिल होंगे, और झारखंड पार्टी का गति बहुत तेज से बढ़ने लगे। आपकी गैर मौजूदगी में पार्टी का जो कमाल कितना आपको बना गया है। निश्चित रूप से हम ये नहीं थे, लेकिन पार्टी में और लोग थे, पदाधिकारी थे, वो लोग झारखंड पार्टी को सींचने का काम किया है। जो भी सेंट्रल कमेटी का जो लोग पदाधिकारी हैं वे बहुत संघर्ष किए झारखंड पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो लोग आज झारखंड पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब फिर हम दोबारा आ गए हैं तो निश्चित रूप से झारखंड पार्टी को दुगुना शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनों से का किंग मेकर होगा? देखिए, यहाँ झारखंड पार्टी में सब किंग मेकर होता है। वहीं चायबासा के पूर्व सांसद ने कहा कि झारखंडियों के हित के लिए झारखंड निर्माण की लड़ाई लड़ी गई थी, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में झारखंड की जो राजनीतिक स्थिति बनी है वह झारखंडियों के हित के लिए नहीं देखी जा रही है, क्योंकि झारखंड वासियों के लिए मूल रूप से जल, जंगल और जमीन मूल स्मिता का परिचायक है। पर अब तक झारखंड में जिस भी पार्टी की सरकार बनी है इस विषय को अनदेखा किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भ्रष्टाचार और अर्थ कमाने की लालसा बनी है, इस कारण से झामुमो को हमने ज्वाइन नहीं किया। ये पार्टी है, क्या सोचकर आप आए थे? जो जानकारी मिली है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी आपको ऑफर था। जी, आज जो राजनीतिक परिस्थिति झारखंड में है, हम इस आशा से झारखंड की लड़ाई लड़े थे कि हमारे लोग का भला होगा, समृद्ध होंगे, पढ़े लिख जाएंगे, नौकरी में जाएंगे, हमारी कल कारखाना हमारा होगा, लेकिन ये सपना सारा धराशायी हो गया। 23 साल के राज्य में जो भी पार्टी सरकार में रही है उन्होंने कभी झारखंड का भला नहीं किया। जो झारखंड का मूल समस्या है, जिसको हम जल, जंगल, जमीन से जोड़ते हैं, ये समस्या आज भी बरकरार है। मुझे लगता है आज तो ज़्यादा ही विकराल रूप धारण कर लिया। जिस जमीन की रक्षा के लिए हमारे वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी इस देश के लिए, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, पोटो हो, पुलो झानो, सभी ने इसीलिए कुर्बानी दी कि ये जमीन मेरा बचा हुआ रहे। आदिवासियों का जमीन एकमात्र जीने का साधन है, अगर उसे आप छीन लेंगे तो बेचारा बिना पानी का मछली जिस तरह चटपटा के मर जाता है, वैसे ही आदिवासी बिना
जब इनका बेचारे मर जाएंगे, अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, संस्कृति खत्म हो जाएगी। आज भारत का प्रथम नागरिक जिसको हम आदिवासी कहते हैं, उनकी ये दारुण स्थिति देखकर मुझे लगा कि फिर हमको नया उल्गुलान करने की आवश्यकता है, तब मैं झारखंड पार्टी में आ गया हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्यों नहीं गया, ऑफर था आपको? झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि जो राजनीतिक संस्कृति यहाँ पनपी है बहुत ही गंदा और विकृत है, वहाँ हम जैसे लोग नहीं रह सकते। वहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार और अर्थ का महत्व है, पैसा कमाने की हवस है, यहाँ कहाँ पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर। कौन पार्टी? झारखंड मुक्ति मोर्चा। और जो सरकार में उनका भी वही स्थिति है, तो हमने सोचा कि उस पार्टी में हम लोग जैसे व्यक्ति नहीं टिक पाएंगे।